लंगड़े, कैसे सच्चाई बताएगा तू मेरी? कह रहा था राज को मेरी सच्चाई बता देगा, बचेगा तब बताएगा ना तू। ईसा, ईसा क्या ये सब? भैया को कलंक लग रहा था और तुम बटन नहीं बंद कर सकती थी? राज, मैं बटन बंद करने आई थी, लेकिन भैया को देख के मैं घबरा गई थी, तो उतने में तुम आ गए। भैया, भैया, भैया आप ठीक हो? भैया, भैया आइए आप मेरे साथ। भैया, भैया, भैया आप ठीक हो ना? ईशा, तुम मुझे एक बात बताओ, बटन तुम्हारे बिल्कुल पास था, तुम चाहती तो बटन बंद कर सकती थी, फिर तुमने बटन क्यों नहीं बंद किया? अरे राज, मैं घबरा गई थी, मैंने बताया तो था तुम्हें, और वो। अरे राज, ये क्या बताएगी तुझे? मैं बताता हूँ ये मुझे क्यों मारना चाहती है। इसका ना शादी के बाद भी किसी लड़के के साथ चक्कर है। हाँ हाँ राहुल, मैं सच्चा प्यार तुम्ही से करती हूँ, तुम्हें तो पता है ना मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए अपने पति से शादी की है, फिर भी क्यों करते हो तुम ऐसी बात? आई रियली लव यू राहुल, तुम्हें तो पता है ना हम 2-3 दिन के बाद मिलने ही वाले हैं, फिर आराम से बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ईशा, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? बॉयफ्रेंड? क्या सुना मैंने, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं। अरे तुमने मेरे छोटे भाई से शादी की है, तुम बहू हो इस घर की, और तुम यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही हो? भैया मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ ना, आप कैसी बातें कर रहे हो? कुछ मत समझाओ मुझे, मैंने सब कुछ सुना है अपने कानों से, तुमने प्रॉपर्टी के लिए शादी की मेरे भाई से। कोई बात नहीं, आने दे राज को, उसके आते ही उसे सारी बातें बताऊंगा। भैया, भैया मेरी बात तो सुनो, भैया। अब इस लंगड़े को कैसे रोकूं? अगर इसने राज को सारी सच्चाई बता दी तो मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ईसा, भैया जो बोल रहे हैं सच है क्या वो? हाँ ये सब सच है, इस लंगड़े ने ना मेरी सारी बातें सुन ली थी जब मैं अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी, इसीलिए मैंने स्विच का बटन ऑन कर दिया, हो गया कूलर खराब और ये लग गए बोर्ड में करंट के तार। अब देखती हूँ लंगड़ा कैसे राज को जाकर मेरी सच्चाई बताता है। अब मैं एक काम करूंगी, लंगड़े के पास जाऊंगी और उससे माफी मांगूंगी कि भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, और उससे बोलूंगी भैया मेरे कमरे का ना कूलर खराब हो गया है, उसे जरा ठीक कर दो आप। और जैसे ही लंगड़ा मेरे कमरे में कूलर ठीक करने आएगा और बोर्ड को छुएगा, वैसे ही मैं स्विच ऑन कर दूंगी, भाई लंगड़े का खेल खत्म। अच्छा तो तुमने ये सब जानबूझ के किया और वो भी पैसों के लिए, तो फिर ईसा तुम इस घर में रह क्यों रही हो? चली जाओ ना, और हाँ अब मैं तुम्हें दूंगा डिवोर्स। क्या डिवोर्स? ऐसे कैसे दे सकते हो तुम मुझे डिवोर्स? समाज में सबके सामने हम दोनों की शादी हुई है, तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते? अच्छा मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता, और तुमने मेरे पीठ पीछे बॉयफ्रेंड बना रखा है, उसके साथ मजे कर रही हो, और तो और मेरे बड़े भैया को मारने की कोशिश की जो मेरे लिए भगवान समान है, और मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता। देखो ईसा, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, वरना मुझे अभी के अभी ना पुलिस को बुलाने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। अच्छा तो तुम मुझे डिवोर्स दोगे? ठीक है दे देना मुझे डिवोर्स, लेकिन उसके बदले में मुझे तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी चाहिए। ओ तो ईसा तुम्हें मेरी आधी प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है ले लो प्रॉपर्टी, लेकिन तुम प्रॉपर्टी का करोगी क्या? तुम तो जेल जाने वाली हो, क्योंकि मैं ना तुम्हारे ऊपर केस करने वाला हूँ अटेम्प्ट टू मर्डर का, कि तुमने मेरे भाई को मारने की कोशिश की है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा बकवास, और जो तुमने मेरे भाई के साथ किया वो क्या था? तुम ना अभी मेरे घर से, तुम ना अभी के अभी निकलो मेरे घर से, समझी?